हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू टेक गाइड राजमन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि नेक्स्ट यानी पार्ट थ्री। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि अभी तक का हमने यहाँ पे ये सीखा है कि कैसे आपको बॉटम में, फुटर में सारी चीज़ें आपको कैसे सेट करना है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उन सबको लेवल डिसाइड करना है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें वहाँ पर फाइंड करना है। एक पोस्ट भी हम यहाँ पर बना आपको पोस्ट करके भी दिखाऊंगा कि जस्ट बेसिक पोस्ट बनाऊंगा, ताकि बाद में जब पोस्ट वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर बिल्कुल और भी अच्छे से सब कुछ आपको क्लियर करूंगा कि किस किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में इसको करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है पूरी डिटेल, क्या क्या है पूरे स्टेप है, तो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एडिट करनी है, मॉडिफाई करनी है, सब कुछ, लाइक जितने भी आपने टैब बनाए ऊपर में या बॉटम में, जो भी टैब बनाए, लाइक ऊपर बनाए आपने हिंदी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग और इंग्लिश सॉन्ग एंड एक्सोजेट जो भी सॉन्ग्स, तो बॉटम में आपने बनाया, वहाँ पे डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस एंड होम, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी सारे आपने टैब बनाए इनको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या डिटेल्स बनानी है, कैसे सब कुछ सारी चीज़ों को कस्टमाइज करना है, सारी डिटेल्स सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर तरीके से। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको लगे कि यार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट बताता हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी स्पीड को मैं थोड़ा और स्लो कर लूँगा, ताकि आपको, क्योंकि बिकॉज मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आना चाहिए। पहली बात तो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, ये मेरा टास्क है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे बताऊँगा आपको मैं कैसे और किस तरीके सारी चीज़ें मॉडिफाई करना है, कैसे सब कुछ आपको वहाँ पे करना। तो आ गए हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारा लेआउट है। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से एक बार ब्लॉग, तो आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जब हमने ब्लॉग स्टॉप किया था, तो हमने लास्ट टाइम में हमने ये सीखा था कि यहाँ पे कैसे आप हिंदी ये सारे टैब्स वगैरह जनरेट करने हैं, और इस तरीके से यहाँ पे नीचे होम, अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड कॉन्टेक्ट अस, तो ये सारी चीज़ें कैसे जनरेट करनी है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम वाले में। तो इस वाले में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि हम यहाँ पे इस टैब को कैसे यहाँ पे लेबल सेट करते हैं, कैसे क्या चीज़ें ऐड करते हैं, सब कुछ इसमें। तो चलते हमारे एडिट पैनल पे, जहाँ पे ये हमारा एडिट, और एडिट पर आने के बाद आपको पता है लेआउट पर जाना है, और लेआउट पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए आप यहाँ पर ये रहा, और नॉर्मल इस पर एडिट करना है, और एडिट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पे अपना वाला डाउनलोड एक बार दिखा देता हूँ आपको, मैं लाइक यहाँ पे मेरा वाला लिरिक्स। तो आपको क्या करना है कि जस्ट मान के चलिए हिंदी, तो आप यहाँ पे हिंदी में एक बात देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे आप दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सर्च लेबल हिंदी सॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, बस इतना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इतना, ठीक है, तो इतना हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और इतना कॉपी करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से नॉर्मल आ जाते हैं और अपने इस स्क्रीन पे आते हैं, एडिट वाली स्क्रीन के ऊपर, और जैसे यहाँ पे एडिट करते हैं, हिंदी में आते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सर्च बना लेते हैं, देखिए इस तरीके से सर्च, और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं हिंदी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग्स। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर हिंदी सॉन्ग्स बना लेंगे, तो हम यहाँ कर देते हैं इसको सबमिट, और इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं एक बार कॉपी कर लेते हैं, और सेम ऐसे ही यहाँ पे एल्बम सॉन्ग्स। तो ये सारी चीज़ें आप जब कर लेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए एल्बम सॉन्ग्स, और फिर देन यहाँ पे पंजाबी सॉन्ग्स। तो यहाँ पे आप आसानी से देख के आप कर सकते हैं इसको पंजाबी सॉन्ग्स, और नेक्स्ट यहाँ पे एक और है इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग्स, और यहाँ पे एक और है सबसे आखिरी, वो है भोजपुरी। तो यहाँ पे हम इसको डालते हैं भोजपुरी, राइट, भोजपुरी, ठीक है, और यहाँ सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने पर फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे इस साइट के ऊपर, तो यहाँ पे हिंदी पे देखेंगे, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे देखिए
सर्च एल्बम बिल्कुल आ गया यहाँ पे, और यहाँ पंजाबी पे देखिए, पंजाबी भी यहाँ पे आ गया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे आ गए। एक बार हिंदी देखते हैं, हिंदी में शायद कुछ नहीं, हिंदी भी आ गया, ठीक है, हिंदी का भी सर्च लेवल जनरेट हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश का भी आ गया, और भोजपुरी का एक बार चेक करते हैं हम यहाँ से, तो भोजपुरी का भी आ गया। अब फ्रेंड्स होगा क्या कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे जो भी सॉन्ग्स हैं, अगर मैं यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करता हूँ तो हिंदी से रिलेटेड जितने सॉन्ग्स होंगे वो सब आ जाएंगे यहाँ पे हिंदी टाइप के अंदर। उसके बाद अगर एल्बम सॉन्ग्स हैं तो एल्बम सॉन्ग्स भी आ जाएंगे, और यहाँ पे अगर पंजाबी सॉन्ग्स की बात करें तो सारे के सारे पंजाबी सॉन्ग्स भी इसके अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात यहाँ पर ये है कि कैसे कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको ये लेवल जनरेट करने हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे इसमें देखेंगे आप, यहाँ पे पंजाबी, देखिए पंजाबी रखा है, इसलिए यहाँ पे पंजाबी टैग है, तो इसका मतलब यहाँ पे पंजाबी सॉन्ग के अंदर ये आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए चलते हैं दोबारा एडिट पे, और एडिट पे आने के बाद में इसके लिए हमें यहाँ पे एक पोस्ट लिखनी पड़ेगी, तभी आपको एग्जैक्टली बता पाऊँगा कैसे और किस तरीके से यहाँ पे इसका काम होता है, कैसे सर्च जनरेट करते हैं। यहाँ पे आते हैं पोस्ट पे, देखें, और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखें यहाँ पे न्यू पोस्ट, देखें तो न्यू पोस्ट पे क्लिक करते ही हम यहाँ से क्या करते हैं, पोस्ट सिर्फ मान लो इसी गाने को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और देखिए ये भी आ जाएगा साथ में, तो इस बात का ध्यान रहे यहाँ पे इसको आप इस तरीके से कॉपी करें, टाइटल में डाल दें और यहाँ डाल दें, और जो भी कुछ एक्सपाइज डिटेल्स हैं, ये वाली डिटेल्स हैं, इनको भी कॉपी कर लीजिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यहाँ पे अपने एक नोटपैड खोल लें और उसके अंदर यहाँ कॉपी पेस्ट करें, ताकि उसके साथ में जो वेबसाइट है वो ना आए, और यहाँ बोल्ड कर देते हैं, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इमेज का ऑप्शन मिलता है, ये देखिए ये रहा, ये देखिए, तो हम इसको यहाँ पे इमेज पे अपलोड करते हैं, और एक इमेज अपलोड कर लेते हैं यहाँ से हम, देखिए हमें चलना होगा अपने ड्राइव में, और ड्राइव में जाने के बाद यहाँ लिरिक्स वेबसाइट, और यहाँ पे ये, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया ऑप्शन, और इसको हम ओपन कर लेते हैं, और ये जो कॉपी है इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे देखें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये रहा, ये एक्स लार्ज, तो एक्स लार्ज कर दीजिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए ये रहा प्रॉपर्टी, देखिए ये इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करके आपको इस तरीके से आएगा ऑप्शन, यहाँ पे इन दोनों को ऐसे ओके कर दीजिए। अब बात कर रहे थे हम जो सर्च लेवल, तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसको और मैनेज कर देते हैं, इस कंटेंट को, जो भी एक्सपोजर सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कॉपी एंड यहाँ से पेस्ट, तो यहाँ से कोई भी मान के चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस इतना ले लेते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पेस्ट कर देना है, इसको दोबारा मैं कॉपी करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया था, ठीक है, ये इस तरीके से नहीं, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है इस चीज़ में कॉपी करने में, तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं लिरिक्स डाल देते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो है कॉपी, ये वाला, ये पूरा आप यहाँ से ऐसे कॉपी कर लीजिए, टेक्स्ट जितना भी हमें बनाना है, मान लीजिए जितना बनाना है, तो इसको हम यहाँ से, हम इसलिए कर रहे ताकि यहाँ पे देखिए रीड नाउ के नीचे वेबसाइट का लिंक भी आया था, तो इस बात का ध्यान रहे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा आप कैसे मेहनत करने का। यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब ये हमारा सारा सेटअप हो गया, ये पूरी डिटेल बाद में बताऊँगा एक वीडियो में स्पेशल, कि कैसे पोस्ट को मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। तो हम यहाँ पर डालते हैं दो टैब बस, एक डालते हैं पंजाबी सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स, और यहाँ एंटर कर दीजिए। जैसे आप यहाँ एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू देखना, प्रीव्यू कर लीजिए, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए। जैसे पब्लिश करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक पोस्ट आ जाएगी इस तरीके से कुछ, ये देखिए इस तरीके से कुछ आपको एक पोस्ट यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे नीचे कुछ एक टैग भी आ गया, और देखिए यहाँ पे दो टैग है, देखिए एक है हिंदी और एक है पंजाबी। तो अगर आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो एक ही लिरिक्स दिखे, एक आपको यहाँ पे दोबारा मैं एक बार करके दिखाता हूँ, देखिए हिंदी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी
है। अभी देखते हैं हम यहाँ पे क्या गड़बड़ी है। और एक बार मैं पंजाबी पे क्लिक करते हैं तो पंजाबी के अंदर भी यहाँ पे नहीं आ रहा है पंजाबी, और यहाँ पे हिंदी सॉन्ग्स। ओके लेट्स सी, देखते हैं आखिर में किस वजह से पोस्ट हमारी नहीं आई। और हम यहाँ पे देखते हैं पंजाबी सॉन्ग्स, यहाँ पे सर्च लेवल जो है पंजाबी सॉन्ग्स और हिंदी सॉन्ग्स दोनों साथ में करते हैं, मे बी इसका कारण हो सकता है। अपडेट करते हैं अगेन और यहाँ से फिर से रिफ्रेश, देखिए बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे वो स्पेस था, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्पेस दे रखा था लेवल के अंदर, तो स्पेस नहीं देना है, बिल्कुल साथ में रखना है, तो इस वजह से वो दिक्कत आई। बाकी यहाँ पे पंजाबी में देखेंगे, हिंदी में देखेंगे हिंदी में मिलेगा, पंजाबी में देखेंगे तो पंजाबी में मिलेगा, लेकिन एल्बम जब चेक करेंगे तो नहीं मिले, बिकॉज अभी एल्बम हमने डाला ही नहीं कुछ, तो कहाँ से दिख जाएगा। इंग्लिश सॉन्ग में देखेंगे तो नहीं मिली दिखेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी पोस्ट, किसी भी पोस्ट को आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। और बाकी रही बात, यहाँ पे नीचे टैब में ये जो बॉटम में है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन की पूरा सब कुछ बताया, कैसे पॉलिसी लिखनी है, कैसे क्या करना है। तो अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में वीडियोस को देख सकते हैं, फिर भी कन्फ्यूजन आती है अगर कमेंट आपके आते हैं तो मैं इसके ऊपर दोबारा एक वीडियो बना दूंगा। तो बस आई होप कि आपको आज के लिए इतना काफ़ी है और बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस आई होप फ्रेंड्स आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें मॉडिफाई करनी है, कैसे सबको आपको कस्टमाइज़ करना है, किस किस तरीके से आपको सारे टैब में अपने सर्च लेवल ये लेवल्स वगैरह सब जनरेट करना है, कैसे आप एक पोस्ट करेंगे, पोस्ट जनरेट करेंगे ताकि उसको आपको जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाए, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, मन की बात जरूर बताएं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है पार्ट वन पार्ट टू देखें, आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी, उसके बाद में ये पार्ट थ्री है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आसानी से वो भी लिरिक्स की वेबसाइट बना के अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो कर सकें। बस फ्रेंड फिलहाल की वीडियो में इतना ही, चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।